वेलकम अगेन गाइस, दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 6-4 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th के लिए आपका स्वागत एक बार फिर करूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स इंडिया, जहां आप फिजिक्स क्लास के 11th और 12th क्लास की वीडियोस देख पा रहे हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आती जाएंगी ये, और आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इस पर, बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं 12th वाले बच्चे और 11th वाले 12th के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं गाइज। पिछली क्लास में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डाइमेंशंस पढ़ रहे हैं, डाइमेंशंस में हम उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन हमने जो पढ़ी वो पहली एप्लीकेशन थी कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी गिवन फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को डाइमेंशनली चेक करना कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं। LHS अगर RHS के बराबर आ रहे हैं डाइमेंशनली, तो फिर वो फॉर्मूला डाइमेंशनली बिल्कुल क्या कहा गया है, करेक्ट कहा गया है गाइस। तो इसी तरह से हम फॉर्मूले चेक कर पा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ किए हैं। और गाइस आप 11th की NCERT बुक से या आप किसी और बुक से जरूर इसको ट्राई करिए, या मैंने PDF में नोट सेंड करूंगा जिससे आप और देख पाएंगे क्वेश्चंस को। आगे गाइस बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं और डाइमेंशंस की जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है टू डराइव द रिलेशन और फॉर्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन गाइस क्या है, टू डराइव द रिलेशन, टू डराइव द रिलेशन या फॉर्मूला। हम किसी फॉर्मूले को डराइव भी कर सकते हैं, हम किसी फॉर्मूले को डराइव भी कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी जरूर होंगी। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हर एक फॉर्मूले को आप डराइव नहीं कर पाएंगे, तो कुछ न कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी। लिमिटेशंस का मतलब जहां पर ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो कुछ न कुछ लिमिटेशंस होंगी जिन्हें हम बताएंगे इसी क्लास में, बताएंगे या कुछ क्वेश्चंस के बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले ड्राइव, कौन कौन से फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से ड्राइव करेंगे गाइस, क्वेश्चंस के जरिए समझने की हम कोशिश करते हैं। कोई क्वेश्चंस आपको, कोई फॉर्मूला अगर जब आपको ड्राइव करने के लिए बोला गया होगा तो वो क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा गाइस, वो क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा, क्या उसमें गिवन होगा कि ये चीजें आपको दी हुई हैं और ये फॉर्मूला आप ड्राइव कर दीजिए। तो गाइस चीजें कुछ इस तरह से आपको गिवन होंगी, जैसे ये क्वेश्चन बैंक से हमने रिक्वेस्ट करी और ये आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन बैंक जी, प्लीज इस टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन को इस स्क्रीन पर आप रिप्रेजेंट करिए। गाइस इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कहा गया है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। गाइस पेंडुलम घड़ी के नीचे लगी हुई है या झूला, और हमने उस फॉर्मूले को चेक करने का क्वेश्चन किया है पहली एप्लीकेशन में कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एक ओसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लेगी पेंडुलम वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। उस पेंडुलम की कुछ लेंथ है और उस पेंडुलम में नीचे जो बॉब लगी हुई है उसका कुछ मास है। तो हमें ये कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पेंडुलम की लेंथ कितनी है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी आपको समझा चुका हूं पिछली क्लासेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीजों पर टाइम डिपेंड कर रहा है। हेंस डेराइव द फॉर्मूला या हेंस डेराइव द रिलेशन, आप उन रिलेशंस को क्या करिए, डेराइव करिए। गाइस आ जाइए इस क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हम देखेंगे एक्चुअल में वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, बट क्वेश्चन का कहना है कि मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए, और हमने डाइमेंशंस में जो कुछ सीखा है उसके अकॉर्डिंग सोचिए गाइस, एक पैटर्न में इस क्वेश्चन को हर बार करना है। एक एक स्टेप मेरे से अच्छे से समझ लीजिए, आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे उसी फॉर्मेट में, सिर्फ एक क्वेश्चन यहां पर आपने अगर समझ लिया
तो डराइव करने का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इस एक क्वेश्चन को मेरे से समझ लीजिएगा, फिर अगले जितने भी क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा आप वीडियो पॉज करके करके देखिएगा और आप मेरे से पहले कर देंगे। तो गाइस मैंने क्या कहा कि टाइम किसकी बात कर रहा है, टाइम की, टाइम को टी से डिनोट करेंगे हम। टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल टी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड। डाइमेंशंस नहीं रखे अभी मैंने सिंबल लिया है, मास को स्मॉल एम से, लेंथ को स्मॉल एल से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो मैं सिंबल्स ले रहा हूं कि टाइम डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो गाइज डिपेंड किस तरह से करता है, ये साइन है किसका, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है कि ये टी, अब इधर जो टर्म्स लिखूंगा वो ये साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी डिपेंड कर रहा है किस पर, इस पर भाई। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इस तरह से लिया जाएगा। गाइस ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैथ से आया है, फिजिक्स बिना मैथ्स के बिल्कुल लंबा और मुश्किल सफर कहलाएगा। मैं आपको बता दूं गाइस, अगर फिजिक्स हमारे लिए एक रूट था कि हमें यहाँ से दूर कहीं जाना है, हमें यहाँ से राजस्थान जाना है मान लीजिए, तो ये लंबा सफर क्या है, फिजिक्स है। अगर इस लंबे सफर में मैं पैदल जाऊंगा तो ये सफर बहुत मुश्किल से काट पाऊंगा और फिजिक्स मुझे बहुत ही क्या लगेगी, मुश्किल लगेगी। लेकिन गाइस अगर यहां से राजस्थान जाने के लिए मुझे बाइक मिल जाए या मुझे कार मिल जाए या मुझे बस मिल जाए तो मेरा सफर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से फिजिक्स को अगर मैथ्स मिल गया है तो फिजिक्स आसान हो गई है गाइस। तो फिजिक्स एक सफर है जिसमें मैथ्स हमारी बाइक है। तो बाइक अगर आपके पास होगी या बाइक चलाना आप जानते होंगे तो फिर ये सफर आसानी से काट पाएंगे। और जिनके पास बाइक नहीं है गाइस वो हमारी बाइक पर लिफ्ट ले सकते हैं, वो मेरी गाड़ी में बैठकर चल सकते हैं, वो मेरी बस में बैठकर चल सकते हैं सफर पे, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास अपना व्हीकल अपना मैथ्स है बड़ी अच्छी बात है, जो मैथ्स अच्छा करेंगे वो फिजिक्स में कुछ अच्छा करेंगे, बट जो फिजिक्स बहुत अच्छे करेंगे वो मैथ्स जरूर अच्छा करेंगे। तो गाइस आइए हम आगे जानेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया मैंने, टाइम डिपेंड कर रहा है मास पर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने एम लिख लिया गाइस, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम। बट गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो नहीं कहा क्वेश्चन ने, ये तो हमें बताया नहीं क्वेश्चन ने कि टाइम डिपेंड कर रहा है। टाइम तो दो तरह से डिपेंड कर सकता है ना गाइस, हो सकता है टाइम डिपेंड कर रहा हो किस पर, मास पर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हो सकता है टाइम डिपेंड कर रहा हो 1/m पर। कहने का मतलब अब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, टाइम। मास बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, मास घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, जबकि यहां डायरेक्टली है। इस फर्स्ट केस में डायरेक्टली का मतलब m इंक्रीज होगा तो t भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि यहां RHS में अगर इंक्रीज होगा तो ये LHS भी इंक्रीज होगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, यहां इंक्रीमेंट होगा तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप जानते हैं, यानी इस केस में अगर डायरेक्टली होगा तो m की पावर क्या होगी, 1 होगी। अगर इन्वर्सली होगा तो m को ऊपर ले जाऊं तो m की पावर क्या होनी चाहिए, -1। तो गाइज m की पावर क्या होगी ये क्वेश्चन ने तो हमें बताया नहीं, और क्वेश्चन ने अगर हमें बताया नहीं तो हमें वही तो वैल्यू इसका मतलब फाइंड आउट करनी है कि m की क्या पावर रही होगी। m की 1 हो सकती है, m की माइनस हो सकता है, m का स्क्वायर हो फॉर्मूले में, हो सकता है m का क्यूब रहा हो फॉर्मूले में, m की पावर 4 रही हो फॉर्मूले में, गाइज कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, हो सकता है m अंडर रूट के अंदर आया हो फॉर्मूले में। तो गाइज हमें जब पता नहीं है पहले कि भाई ये फॉर्मूले में क्या रहा होगा, तभी तो ड्राइव कर रहे हैं, बना रहे हैं फॉर्मूला। तो गाइज क्वेश्चन ने कहा टाइम डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर। टाइम अगर मास पर डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता डायरेक्टली है इनवर्सली है, मैंने m की पावर क्या मान ली, a की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है हमें, कुछ पावर इसकी रही होगी। क्वेश्चन ने कहा है डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, उसकी पावर क्या मान ली, b, उसकी भी कुछ होगी पावर इस तरह से।
और डिपेंड कर रहा है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और उसकी पावर क्या मान ली सी। ध्यान से सुनिए गाइज, क्वेश्चन में जब भी ये गिवन होगा कि ये टर्म इन टर्म्स पर डिपेंड कर रही है, फिजिकल टर्म्स पर, आप लिखेंगे, ये कह रहा था टाइम डिपेंड कर रहा है, तो टी डिपेंड कर रहा है यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन, डिपेंड कर रहा है मास पर, तो एम की पावर मैंने मान ली ए, लेंथ की पावर मैंने मान ली बी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या मान ली सी, के इस तरह से इन चीजों पर ये डिपेंड कर रहा था। अगला स्टेप क्या होगा गाइस, स्टेप वाइज समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक बार अगर आपने स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को समझ लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ड्राइव करने का जो आप ना कर पाए। तो टी इज इक्वल टू, गाइस ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर जब इक्वल टू लाना हो ना, हमें नौवीं क्लास से आप इस बात को पढ़ते आए हैं, तब एक कांस्टेंट आएगा, तब एक क्या आएगा कांस्टेंट, कोई फिक्स टर्म रही होगी, ये नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 पाई हो सकता है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, नंबर है एक गाइस, के कांस्टेंट है यहां पर। बट ध्यान रहे गाइस कि के यहां पर जो हम लगा रहे हैं डाइमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये यहां पर डाइमेंशनलेस कांस्टेंट लगाया है मैंने, और डाइमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब इसके कोई डाइमेंशंस नहीं है, तो के यहां पर डाइमेंशनलेस कांस्टेंट आया है, टाइम डिपेंड कर रहा था, अगले स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल लाना था, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और जी की पावर सी, और जहां ये कांस्टेंट लगा दिया है आप, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए गाइस। आगे हम कुछ जो है फॉर्मेट जो है वो इसे पूरा करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यूज आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में लाकर ही पुट करनी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा गाइस। तो मैं कह रहा हूं एक एक स्टेप को ध्यान से समझें कि पहले हम क्या करते हैं टाइम, पहले हम क्या करते हैं जो चीजें गिवन थी कि टाइम डिपेंड कर रहा है मास पर, लेंथ पर, जी पर, ऐसे लिख लीजिए गाइस। अगर एल की पावर ए कर दूं, एम को लास्ट में लिख दूं, एम की पावर सी, किसी की पावर ए, इंटरचेंज हो जाए, कोई गलती नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कोई गलती नहीं होगी। अगर आप m की पावर c मान लेते, g की पावर a, कुछ भी मतलब इंटरचेंज अगर कर दिया जाए, फॉर्मूला वही आएगा डिराइव कर, कोई गलती नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये यही फॉर्मेट क्यों लिया गया, टाइम डिपेंड कर रहा था मास पर, पावर a मान ली, लेंथ पर पावर b मान ली, g पर पावर c मान ली, और उसके बाद मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया जो कि डाइमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसके कोई डाइमेंशन नहीं है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए गाइस, अगला स्टेप ये होगा कि डाइमेंशंस रखिए, टाइम t, यहां टाइम है तो टाइम एंड टाइम के डाइमेंशंस t ही रहेंगे, कंप्लीट लिखना चाहूं तो ये टाइम के डाइमेंशंस अगर t है तो यानी m इसके लिए 0 है, n इसके लिए 0 है, t इसके लिए 1 है, ये कंप्लीट लिख दिया मैंने, m इसके लिए 0 है, खाली t है ना उसके, तो m नहीं है उसके अंदर, m की 0, l की 0, t की 1 इज इक्वल टू K तो यहां पर गाइस डाइमेंशनलेस कांस्टेंट है, पहले में मैंने प्रोपोर्शनल लिख लिया, दूसरे में मैंने साइन हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी का, अब मैं इनके तीसरे स्टेप में क्या रख रहा हूं, डाइमेंशंस पुट कर रहा हूं, तो T के डाइमेंशन हो गए, K डाइमेंशनलेस है, M यहां पर मास है, इसकी पावर A है, L यहां पर लेंथ है, इसकी पावर B है, और G यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी जी भी एक तरह का क्या है एक्सेलरेशन है, तो जी के डाइमेंशंस भी क्या होते हैं LT-2 होते हैं जो एक्सेलरेशन के होते हैं, और पावर क्या है गाइस सी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहा होगा गाइस कि एम की पावर है ए, एल की पावर है बी, ब्रैकेट्स खोल दीजिए, एल की पावर 1 है बाहर सी से मल्टीप्लाई, एल की पावर क्या हो जाएगी सी, ये T की पावर -2 बाहर मल्टीप्लाई होगी कितनी हो जाएगी -2c, हेंस गाइस m की पावर है a, इकट्ठा कर दीजिए गाइस, लेंथ की पावर b भी है और यहां लेंथ की पावर c भी है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, आप लेंथ की पावर लिख सकते हैं b+c, और आप T की पावर लिख सकते हैं -2c, आपको गिवन है। अगर इतना हो गया है गाइस तो आप अगला स्टेप देखिए ध्यान से कि यहां पर m की पावर है 0, l की पावर है 0, t की पावर क्या है 1, और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है, और इस तरफ भी डाइमेंशंस आ गए इस तरह से। तो गाइस डाइमेंशंस को आप बस क्या कर दीजिए, अब इक्वेट कर दीजिए, और इक्वेट कैसे करेंगे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं m की पावर यहां a है, मास
सिर्फ मास के ही बराबर लिखा जा सकता है, किसी और के बराबर नहीं लिखा जा सकता, ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ चुके हैं। यहां मास की पावर ए है और यहां मास की पावर क्या है, जीरो। तो अगर LHS RHS के बराबर है तो MM के बराबर होना चाहिए डायमेंशंस में, तो M की पावर यहां ए है और यहां M की पावर क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ए की पावर बराबर है किसके, जीरो के। ए मतलब बराबर है किसके, जीरो के। समझ पाए होंगे गाइस, ए बराबर है किसके, जीरो के। यहां पर L की पावर देख पा रहे होंगे गाइस आप, B प्लस सी है, L की पावर B प्लस सी है और यहां L की पावर कितनी है, जीरो। तो यानी B प्लस सी बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के। अभी मैं इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। आगे चलिए, यहां T की पावर कितनी है, माइनस टू सी, और यहां T की पावर कितनी है, वन। तो माइनस टू सी बराबर होना चाहिए इसका मतलब किसके, वन के। ऐसा है तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस की हाफ आ जाती है। माइनस की हाफ यहां ले जाकर पुट करूं, बी की सी, बी था, सी की जगह माइनस हाफ पुट करूं बराबर जीरो, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है, हाफ आ जाती है। तो गाइज मैंने इसमें इक्वेट कर ये जान लिया कि मास की पावर ए, यहां मास की पावर जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो आ गई। बी प्लस सी बराबर जीरो रखा, ये इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो पाती, पहले मैंने तीसरी को सॉल्व कर लिया, और तीसरी में क्या गिवन है कि टाइम की पावर माइनस टू सी, यहाँ टाइम की पावर वन को बराबर दिया, सी की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, माइनस हाफ यहाँ पुट करके बी की वैल्यू, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है गाइस, ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई है। मैं यहाँ रब कर रहा हूँ एक बार, और यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी सी की वैल्यू आ गई है, पुटिंग इन फर्स्ट, ए बी सी की वैल्यू आ गई है, उसे फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दीजिए गाइस। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये थी जिसमें t बराबर k डाइमेंशनलेस कांस्टेंट था और मास की पावर थी a, a की वैल्यू गाइस कितनी आई आपकी, जीरो। उसके बाद l, लेंथ की पावर b, b की वैल्यू कितनी आई गाइस आपके लिए, हाफ आई है। उसके बाद g, g की पावर c आपके लिए कितनी आई है, माइनस की हाफ आई है। तो t इज इक्वल टू बराबर है k कांस्टेंट, M की पावर जीरो, मास की पावर यहाँ जीरो होगी गाइस, किसी की पावर जीरो हो जाने का मतलब उसकी जगह क्या लिख दीजिए, वन। किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो क्या हो जाता है, वन बन जाता है, और यहाँ M की पावर जीरो यानी वन हो गया, मास गायब हो गया, मास पर डिपेंड नहीं करता इसका मतलब फॉर्मूला। लेंथ की पावर है हाफ, G की पावर माइनस की हाफ है, नीचे ले जाओ अगर G को तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी। और ऐसा अगर है गाइज तो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू के, L की पावर हाफ, G की पावर भी क्या है, हाफ, दोनों को अंडर रूट में लिख दीजिए। और गाइज टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है, T इज इक्वल टू K कांस्टेंट है अंडर रूट में L बाई G, ये फॉर्मूला आ गया है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई के बराबर होती है, याद करिए मैंने चेक करते हुए दिया है फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। बट हम इस मेथड से k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते गाइस, ये लिमिटेशन है, ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि हम जो k कांस्टेंट लगाएंगे इस डेरिवेशन में, उसके कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड से। k की वैल्यू पता चलेगी एक्सपेरिमेंट से, तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी k की वैल्यू पता चलेगी। हम इस आंसर को हर बार इसी टर्म्स में छोड़ देंगे, k के टर्म्स में हम अपना आंसर छोड़ देंगे। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू k अंडर रूट में l बाई g आ गया है गाइज। तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना समझ में आया होगा गाइज, पहले प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, कांस्टेंट ले आइए, डायमेंशंस पुट करिए, इक्वेट कर एबीसी की वैल्यू निकालिए और फर्स्ट इक्वेशन ले जाकर पुट कर दीजिए, के टर्म्स में आंसर रह जाएगा, क्योंकि हम यहाँ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही क्या है, इसकी एक लिमिटेशन भी है, और भी लिमिटेशंस होंगी जो आती जाएंगी आगे। मैं गाइस अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और आपके साथ ड्राइव करूंगा, और बल्कि आप खुद ही ड्राइव कर पाएंगे क्वेश्चन देखने के बाद। वीडियो को करिएगा पॉज और क्वेश्चन को खुद करने की करिएगा कोशिश, तो खुद करने की कोशिश करिएगा इस तरह से, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत कुछ आप कर पाएंगे। क्वेश्चन बैंक जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बैंक जी कि एक क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए स्क्रीन पर आप रिप्रेजेंट करिए। गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास,
आपने चेक किया था, मैंने होमवर्क में दिया था सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, आपने चेक किया था डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसी फॉर्मूले को अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं गाइस। और क्या कहा है उसने कि सेंट्रीपेटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ द कर्व, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड है ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। और ऐसा कहा गया है तो हेंस डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला में ड्राइव करना है गाइस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कैसे करेंगे आप खुद करिएगा गाइस, पॉज कर मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, जो आप करने के बाद देखिएगा इस वीडियो को पॉज करने के बाद। तो यहां पर क्या कहा गया है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। डिपेंड किस पर कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, मास की पावर क्या मान लीजिए ए, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, पावर क्या मान लीजिए बी, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, पावर क्या मान लीजिए सी मान लीजिए। और गाइस अगले स्टेप का आपको पता था, अगला स्टेप था कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए के कांस्टेंट ले आइए। और गाइस पेपर में लिखना ना भूलें, ये पहली इक्वेशन है, और ये भी लिखना ना भूलें कि के यहाँ पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, के यहाँ पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ऐसा लिखना ना भूलें। और अगर ऐसा है तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, डाइमेंशंस पुट करने वाले हैं फोर्स के। डाइमेंशंस गाइस आपको याद हो गए होंगे MLT-2 होते हैं, फोर्स के डाइमेंशंस MLT-2 होते हैं, के यहां पर डाइमेंशनलेस है, मास की पावर ए होगी, वेलोसिटी LT-1 होता है, पूरे की पावर बी है, आर रेडियस एक तरह की लेंथ है, और लेंथ की पावर क्या हो जाएगी सी। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल दीजिए, मास की पावर ए, यहाँ लेंथ की पावर बी हो जाएगी, टी की पावर माइनस बी हो जाएगी, लेंथ की पावर सी हो जाएगी। मास की पावर ए है, लेंथ की पावर यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो लेंथ की पावर बी प्लस सी हो जाएगी, और टी की पावर यहाँ पर माइनस की बी है। तो गाइज ऐसा अगर है तो अब आप इक्वेट कर दीजिए कि यहाँ पर फोर्स के डायमेंशन है MLT-2। अगर ऐसा है गाइज तो इस तरह से अगर है आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ मास की पावर ए है और यहाँ मास की पावर वन है, ए बराबर किसके होना चाहिए, वन के होना चाहिए। यहाँ लेंथ की पावर बी प्लस सी है, और गाइस यहाँ लेंथ की पावर वन के बराबर होना चाहिए। मैं इसे आगे सॉल्व अभी नहीं कर पाऊंगा, आगे चलिए। तो क्योंकि मेरे को बी की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू नहीं पता, किसी की भी वैल्यू नहीं पता, तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ए की वैल्यू पता है। तीसरे में टी की पावर माइनस की बी है, और यहाँ टी की पावर माइनस की टू है, माइनस से माइनस कट जाए तो बी की वैल्यू टू आ गई। बी की वैल्यू यहाँ लाकर पुट करिए ना, अब बी की वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ से यहाँ बी की वैल्यू टू पुट करूंगा तो यहाँ पर टू उधर जाकर माइनस को देगा, सी की वैल्यू माइनस की बनाएगी। गाइस फर्स्ट इक्वेशन ले जाकर पुट कर दीजिए, लिखना ना बोले पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर आप क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एफ इज इक्वल टू बराबर, फर्स्ट इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू बराबर, के कांस्टेंट था, मास की पावर ए, ए की वैल्यू कितनी आई गाइस आपकी वन, उसके बाद है वेलोसिटी की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी आई है टू, आर की पावर सी, सी की वैल्यू कितनी आई है माइनस की बनाइए। अगर ऐसा है गाइस आपके पास यहाँ पर, तो आप एफ इज इक्वल टू बराबर है, के कांस्टेंट है, मास की पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है, वी की पावर टू, आर की पावर माइनस की वन है, डिनोमिनेटर में ले जाइए ना प्लस हो जाएगी, तो के एम वी स्क्वायर बाई आर, के एम वी स्क्वायर बाई आर। गाइज ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया है सेंट्रीपेटल फोर्स का, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, और इसमें के कांस्टेंट की वैल्यू हम एक बार फिर नहीं बता सकते, हालांकि इस के की वैल्यू वन के बराबर है, और एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है गाइज, बट हम नहीं बता सकते, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता चली है, और एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं कर रहे, हम डायमेंशंस के जरिए फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहे हैं, और डेरिवेशन में हम यहीं तक करके दिखाएंगे कि एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जिसमें के कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते, ये डायमेंशंस की लिमिटेशंस है गाइस। आपको एक एक बात समझाने का मेरा प्रयास है, वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक क्वेश्चन और लेते जाइए होमवर्क के लिए, वैसे खाली ना जाएं यहां से, कभी भी आप खाली नहीं जा पाएंगे, आपको सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलता रहेगा।
और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है गाइस, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन बैंक जी फ्रीक्वेंसी के डेरिवेशन वाले फॉर्मूले को स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। गाइस इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किस पर, लेंथ पर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किस पर, टेंशन। गाइस टेंशन भूलना मत, टेंशन के डायमेंशंस क्या है और टेंशन क्या है यहां पर। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है टेंशन पर, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ पर। तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, डराई करने की कोशिश कीजिए। मेरे को व्हाट्सएप करिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, या फिर अगली वीडियो का इंतजार करिए जो कि जल्द ही आएगी, मे बी टुमारो। तो इस तरह से गाइस इस क्वेश्चन को करिए और एक और क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक जी स्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन को यहाँ रिप्रेजेंट करिए। और गाइस स्केप वेलोसिटी का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि स्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसके वेलोसिटी हो, कोई वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास ऑफ द प्लैनेट पर, यानी मास, और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस पर। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर, मास पर और रेडियस पर डिपेंड कर रही है। Hence derive the relation, hence derive the formula. Guys, formula derive करेगा। दोनों questions बड़े ही अच्छे हैं और बहुत आसानी से आप derive कर सकते हैं guys इनको। आपने इतना concept पढ़ा है और इतना concept पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप इन्हें ड्राइव करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं जान गया हूँ कि मेरे ये दो क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद आपको ड्राइव करने का तरीका आ गया है, और आप इन दो क्वेश्चंस को खुद से ड्राइव करेंगे, कहीं सॉल्यूशन ना ढूंढें और मुझे व्हाट्सएप पर सॉल्यूशंस भेजें। मैं बताऊंगा आपको कि ये सही है या नहीं है, या आप मेरे को कमेंट में भेजें इसको और डिमांड करिए, क्वेश्चंस की डिमांड करिए मुझे, कमेंट कर कर यूट्यूब चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियोस पर, और कमेंट्स के जरिए मेरे से क्वेश्चंस भी पूछिए, कुछ और पूछिए, कुछ ऐसा टॉपिक जो आप जानना चाहते हो उसकी वीडियो पहले बनाकर भी भेजूंगा मैं। तो इसलिए कमेंट्स में गाइज अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हर उस बच्चे तक वीडियो को भेजिए जो पढ़ना चाहता है, जो फिजिक्स को मुश्किल समझता है और जो फिजिक्स को आसान बना देना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। थैंक यू।